एडी विडेप भाई नेहरा सर वेलकम जी ऑल। तो आज मैं आपके सामने सेकंड क्लास लेकर के हाजिर हुआ हूँ। ये अपनी एक क्लास सीरीज है जिसमें हम 20 क्लासेस करेंगे और ये अपनी सेकंड क्लास है। इससे पहले की क्लास अगर आपने वॉच नहीं की है तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है पहले वो क्लास वॉच कर लें, क्योंकि हर एक क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आओ मिलकर करें इंग्लिश की समस्या पर आखिरी बार, आपको सफलता मिले जरूर इस बार। इसी स्लोगन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक क्लास सीरीज है जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक्सट्रीमली यूजफुल क्लास सीरीज है, इंडिस्पेंसिबल। चाहे आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हो, HSSC, HPSC, STAT, REET, KVS, NVSC, TET, CLAT, PCS, UPSC, SSC, UPPSC, MBA, NDA, CDS, Bank PO, SBI PO, RBI एग्ज़ाम, किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारियां आप अगर कर रहे हो, इसके साथ साथ अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप अपने वोकैब में इन्हांसमेंट्स करना चाहते हो, उसको बिल्डअप करना चाहते हो, तो बिल्कुल ये क्लासेस आपके लिए ही है। बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन की हुई है। तो अपनी ये सेकेंड क्लास रहेगी और इन टोटल 20 क्लास रहेगी। पर क्लास हम 50 वर्ड्स को करेंगे। तो फर्स्ट क्लास में हम 50 वर्ड्स कर चुके हैं, तो मैं 51st से स्टार्ट करूँगा। तो देखिए 51 नंबर जो वर्ड है अपना ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट एक एडजेक्टिव है, जो फर्स्ट क्लास में मैंने ट्रिक बताई थी कि मेन वर्ड को हमें देख लेना है कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, या कोई एडवर्ब है, वर्ब है, क्या है, उसी हिसाब से हमें ऑप्शंस को रूल आउट करना है और अपना राइट आंसर चूज करना है। तो ट्रांसपेरेंट का मीनिंग आप सभी को पता भी होगा, फिर भी मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूँ। आप अपने नोट्स बनाते रहें और इसके साथ साथ आप अपने आंसर भी ज़रूर दिमाग में रखें, ताकि जब मैं आंसर बताऊं तो आप प्रैक्टिस करें। एक तरह का प्रैक्टिस बैच भी है अगर आपने पहले किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो डोंट वरी, हम बिल्कुल एक एक ऑप्शन को अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला अपना ऑप्शन है कलर्ड। कलर्ड होता है रंगीन, रंग बिरंगा, तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। चाइल्ड लाइक बच्चे की तरह का होता है, ये भी नहीं हो सकता। एमिनेंट का मीनिंग होता है संभावित, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अपना आंसर रहेगा ओपैक। ओपैक का मीनिंग हो गया अपारदर्शी, तो ये ट्रांसपेरेंट पारदर्शी है, ओपैक अपारदर्शी। और एमिनेंट ये वर्ड भी याद रखिएगा, इसका मीनिंग होता है संभावित। आगे हम चलते हैं प्राइड। प्राइड यानी गर्व, नाउन है। प्राइड गर्व के बारे में हम बात करते हैं और हमें एंटोनिम ढूंढना है, इसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है, तो बिल्कुल सिमिलर फीलिंग इसके साथ रखता हो। सबसे पहला वर्ड है ह्यूमिलिटी और उसके बाद में है फ्रुगल। फ्रुगल का मीनिंग होता है मितवेई, या जो कम खर्च करे उसको फ्रुगल बोलते हैं। उसके बाद में सिंपल, सिंपल का मीनिंग सामान्य। और ऑस्टियर, ऑस्टियर का मीनिंग होता है सादा होता है, सिंपल या सादा, एक वर्ड कह लीजिए, जो सादा जीवन जीता है उसको ऑस्टियर लाइफ बोलते हैं। तो इसको आप सादा यानी सिंपल एंड प्लेन, अगर इंग्लिश में आप जानना चाहें तो इसका मीनिंग रहेगा सिंपल एंड प्लेन। सिंपल एंड प्लेन को बोलते हैं हम ऑस्टियर, ठीक है। तो इनमें से इसका ऑपोजिट कोई भी हमें नज़र नहीं आ रहा है, ना कि ये फ्रुगल है, सिंपल है, ऑस्टियर है, कोई भी अपना ऑपोजिट वर्ड नहीं है। लेकिन एक वर्ड जो ह्यूमिलिटी है, यानी इसका मीनिंग रहता है बीइंग हम्बल, बीइंग हम्बल, जो कोई भी व्यक्ति विनम्र होता है, विनम्रता रखता है, उसको ह्यूमिलिटी बोलते हैं। और जो अपने अंदर गर्व की भावना रखता है, अपने आप को बड़ा समझता है, दूसरों को नीचा समझता है, उसके लिए प्राइड। और ह्यूमिलिटी का मीनिंग हो गया बीइंग हम्बल, यानी हम विनम्र हैं, सबको समान, हार और जीत को एक समान रखते हैं। आगे हम चलते हैं और एक्विजिटिव। एक्विजिटिव अपना एडजेक्टिव है यानी विशेषण है। और एक्विजिटिव का मीनिंग होता है जिसके बारे में हमें जिज्ञासा रहती है, यानी एक तरह का जिज्ञासु जो व्यक्ति होता है, जो बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा रखता है, उसको एक्विजिटिव हम बोलते हैं। एक्विजिटिव यानी
अगर इंग्लिश में मैं एक वर्ड आपके लिए बताऊं तो इसका रहेगा अपना क्यूरियस, जिज्ञासु। और माइजरली, माइजरली भी कंजूस होता है, तो ये अपना वर्ड नहीं हो सकता। और ये अपना वर्ड पहले भी आया है, फ्रुगल, तो ये भी नहीं रहेगा। उसके बाद में सिंपल, ये भी, और ऑस्टियर। अब देखिए इसमें हमें ऑस्टियर का मीनिंग रहता है जो अभी मैंने पहले बताया था, सिंपल एंड प्लेन। तो अपने इसमें आंसर रहेगा ऑस्टियर। तो अपना आंसर क्या रहेगा? ऑस्टियर यानी सादा, ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा किसी के बारे में पूछताछ नहीं करता है, उसको हम सिंपल एंड प्लेन इंडिविजुअल बोलते हैं। यानी ऑस्टियर लाइफ होती है, जैसे साधु संतों का जीवन होता है, वो कुछ ज़्यादा किसी के बारे में जानना नहीं रखते, तो उसको ऑस्टियर स्टाइल ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो ये अपना ऑपोजिट वर्ड रहेगा इसका। आगे अबन, अबन जो है वो भी एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है शहरी। तो कंट्री मेड, कंट्री का मीनिंग हो गया यहाँ पर देहाती, गांवों से संबंधित। पेस्टोरल, पेस्टोरल का मीनिंग होता है चारागाह, या जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है, उसको हम पेस्टोरल की श्रेणी में लेकर के आते हैं। तो ये होता है अपना एक चारागाह। और उसके बाद में प्रोविंशियल, प्रांतीय हो गया, क्षेत्रीय हो गया। एक वर्ड जो डायरेक्ट हमें मिल रहा है वो है रूरल। तो अपना ऑपोजिट वर्ड अर्बन का क्या रहेगा? रूरल रहेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड को करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना बेलेटेंट। बेलेटेंट का मीनिंग होता है प्रबल। इसका मीनिंग क्या होता है? प्रबल। प्रबल का अब हमें सेंस समझना पड़ेगा। ज़रा देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। इसका मीनिंग रहेगा प्रबल, एक विशेषण है, यानी कि कोई भी गतिविधि जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जोश, एनर्जी हमें दिखाई पड़े, उसको प्रबल हम बोलेंगे। तो देखिए, एनर्जी, जोश दिखाई पड़े, नोइजी, नोइजी तो एक तरह का इसका क्या हो गया? सिनेनिम हो गया। हमें ऑपोजिट बताना है। और बैरन, बैरन का मीनिंग हो गया बंजर, बंजर, जहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं की जा सकती है, सुनसान भी बोल सकते हैं हम। स्लो का मीनिंग धीमा, तो ये भी नहीं हो सकता, बैरन भी नहीं हो सकता। तो इसका ऑपोजिट क्या रहेगा? क्वाइट। ठीक है, तो अपना बेलेटेंट का ऑपोजिट क्या रहेगा? क्वाइट। आगे हम चलते हैं और प्रिम के बारे में बात करते हैं। प्रिम एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ऐसा व्यक्ति जो फॉर्मल होता है। प्रिम ऐसे व्यक्ति की विशेषता को बताता है जो फॉर्मल होता है और हमेशा केयरफुल होता है। ऐसा व्यक्ति हु इज ऑलवेज फॉर्मल एंड केयरफुल, एंड इंडिविजुअल हु इज ऑलवेज केयरफुल एंड फॉर्मल इज कॉल्ड प्रिम। याद रखिएगा, उसका अपोजिट हमें ढूंढना है। तो सबसे पहला वर्ड है रैश। इसका मीनिंग आप अपना आंसर सोच के रखिएगा और फिर हम पहले ऑप्शंस को रूल आउट करते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट, ये वर्ड हमने पहले भी किया है, जो कुछ ज़्यादा खर्च करे, फिजूल खर्ची करे, उसको एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। फाउल का मीनिंग होता है, जैसे फाउल स्मेल होता है, यानी गंदी स्मेल, जिसके अंदर इम्प्योरिटी होती है, जो अच्छा नहीं होता। शेमफुल, शर्मिंदगी से परिपूर्ण, तो ये भी नहीं रहेगा। रैश, रैश का मीनिंग होता है जो केयरलेस होता है। ठीक है, तो रैश का मीनिंग ऐसा व्यक्ति, तो आपके आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी की परवाह नहीं करता है, इनफॉर्मल रहता है, कभी कोई भी बात बोल देता है, तो उसको रैश बिहेवियर बोलते हैं। प्रिम बिहेवियर वो होगा जो सही समय की सही बात सही जगह करे, वो प्रिम होगा। तो अपोजिट रैश होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एग्जिबिट के बारे में बात करते हैं। जैसे एग्जिबिशन आपने सुना होगा, उसको हम इंडियन लैंग्वेज में एग्जिबिशन भी बोलते हैं, लेकिन एग्जिबिशन का मीनिंग होता है प्रदर्शनी और एग्जिबिट का मीनिंग होता है प्रदर्शनी करना, क्योंकि अपनी एक वर्ब है, क्रिया है। तो आगे हम चलते हैं। सबसे पहला वर्ड है, अपना आंसर जरूर सोच लिया करें, कंसील। कंसील का मीनिंग होता है छिपाना। एक एक वर्ड को ध्यान से सुने, इनका मीनिंग जो मैं बता रहा हूँ वो लर्न करें। प्रिवेंट, ये भी सारे वर्ब्स हैं। प्रिवेंट का मीनिंग होता है रोकना। विड्रॉ का मीनिंग होता है वापिस ले लेना। और कंसीड, कंसीड का मीनिंग होता है स्वीकार करना।
ठीक है ना। कंसीड का मीनिंग होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, विड्रॉ वापिस लेना, प्रिवेंट रोकना, और कंसील का मीनिंग रहता है छिपा लेना। एग्जिबिट का मीनिंग होता है सामने रखना, ठीक है ना, टू पुट समथिंग इन ओपन और इन फ्रंट ऑफ समबडी। उसी का ऑपोजिट हमारा क्या रहेगा, कंसील। तो अपना इसका ऑपोजिट वर्ड क्या रहेगा, कंसील। आगे हम चलते हैं और सेल्विज के बारे में बात करते हैं। सेल्विज का मीनिंग होता है, इसको पहले समझ लीजिए, नाश रक्षण। नाश रक्षण से मेरा मीनिंग क्या है, नाश रक्षण से मेरा मीनिंग हुआ कि मान लीजिए कोई त्रासदी हो गई, क्लैमिटी आ गई, और उस क्लैमिटी के अंदर या वॉर हो गया, कोई हिंसा हो गई, उसके अंदर कुछ चीज़ों को बचा करके रख लेना सेल्विज कहलाता है। सेल्वेज नहीं होगा, सेल्विज रहेगा, ये एक नाउन है, यानी कि नाश होने से बचाना, तो बचाना भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम इन ऑप्शंस को रूल आउट करते हैं, अपना आंसर जरूर सोच लिया करें। आउटफिट रहता है, जो जिस तरीके का पहनावा रहता है उसको हम आउटफिट में लेकर के आते हैं, और ये अपना रह गया, जैसे इसमें लूज रह गया, और उसके बाद में बर्न हो गया और रिमूव हो गया, तो आउटफिट अपना ऑप्शन सूट नहीं करता, और बर्न जो है वो भी नहीं रहेगा, रिमूव भी नहीं रहेगा। तो हम चीज़ों को लूज कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये अपना आंसर इसमें ठीक रहेगा। तो सेल्विज का जो ऑपोजिट रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कीन, कीन के बारे में बात करते हैं। कीन का मीनिंग होता है एक विशेषण है, यानी किसी के विशेषता, यानी ही इज अ कीन इंडिविजुअल, यानी वो एक जिज्ञासु व्यक्ति है जिसके अंदर मान लो चीज़ों को जानने की आतुरता है। मैं एक तरह का क्यूरियोसिटी इसको वर्ड दूंगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर क्या है, क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है। ही इज अ वेरी वेरी क्यूरियस इंडिविजुअल, उसका मीनिंग क्या होगा, ही इज अ कीन इंडिविजुअल। तो कीन का मीनिंग क्या हो गया, जिज्ञासु, जिसके अंदर जानने की इच्छा है। तो अभी हम इसके ऑप्शंस को रूल आउट कर लेते हैं, हालांकि मैं डायरेक्ट आपको आंसर नहीं बताऊंगा, एक एक वर्ड हम आराम से करेंगे। फर्स्ट वर्ड डल होता है, नीरस, और सेकंड वर्ड जो है वो रोग है, रोग। रोग का मीनिंग होता है ठग, मैं इसका मीनिंग लिख देता हूँ, याद रखिए, ठग, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को मूर्ख बनाता है, उनको ठगता है, उसका रोग बोलते हैं। आर्डेंट का मीनिंग होता है प्रबल, इसका मीनिंग क्या हो गया, प्रबल का मीनिंग, जैसे महात्मा गांधी जी वो जन आर्डेंट बिलीवर इन नॉन वायलेंस, इसका मीनिंग क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी बहुत अडिग तरीके से अहिंसा में विश्वास रखते थे। उसके बाद हम श्रूड का मीनिंग हो गया क्लेवर, तो चालाक हो, चतुर हो। तो अब देखिए, कीन का मीनिंग जानने की इच्छा रखना, मीनिंग उसके अंदर एनर्जी होना, और डल ऐसा व्यक्ति हो गया फिर जिसके अंदर किसी चीज़ को जानने की इतनी आतुरता, जिज्ञासा न हो, उसको डल की श्रेणी में हम रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और होटी की तरफ चलते हैं। होटी जो है वो भी अपना एक एडजेक्टिव है, होटी का मीनिंग हो गया अभिमानी, घमंडी। तो इसके अंदर हमारा जो सबसे पहले हमें मीनिंग जान लेना ज़रूरी है, जो कि एडजेक्टिव है। पीटीएबल का मीनिंग हो गया दयनीय, जिस पर हम टू हैव पीटी ऑन somebody, है ना। और स्केयर्ड का मीनिंग डरा हुआ हो गया, हम्बल का मीनिंग विनम्र हो गया, कवर्डली का मीनिंग होता है कायरता से परिपूर्ण, या कायरता से कोई काम करना। तो अभी हमें इसमें से इसका मीनिंग ढूंढना है। होटी घमंडी होता है तो आपको क्या लगता है, डरा हुआ नहीं हो सकता, पीटीएबल भी नहीं हो सकता अपना, स्केयर्ड भी नहीं हो सकता, तो क्या कायरता भरा हो सकता है, नहीं हो सकता। अपना एक ही ऑप्शन बचता है हम्बल, तो इसका आंसर अपना क्या रहेगा, हम्बल। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मीनिंग होता है अगर हम किसी बारे में अपना जैसे स्वीकार कर लेते हैं, एक तरह का वर्ड क्या होता है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कुछ, ठीक है ना, स्वीकारना कुछ, अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो उस स्वीकार की गई बात को हम अंडरटेकिंग की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है ना। रेजिग्नेशन का मीनिंग होता है त्याग कर देना, आप इसके जो ऑप्शन हैं उनको ध्यान से देखें। ट्रायल का मीनिंग, ट्रायल यानी कि
बार बार, पेशी एक तरह से हम कह सकते हैं, या आजमाइश कह सकते हैं। रिफ्यूजल मनाही और डिनाइल मनाही, इसका मीनिंग डिनाई कर देना और रिफ्यूजल का मीनिंग भी डिनाई कर देना है, यानी दोनों का मीनिंग आपको अगर हम मीनिंग के तौर पर जाएं तो एक जैसा लगेगा। देखिए रेजिग्नेशन तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना, रेजिग्नेशन और ट्रायल नहीं हो सकता है। और उसके बाद में हमारे सी और डी में से कोई ना कोई आंसर रहेगा, यहाँ कन्फ्यूजन है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या रहेगा, ज़रा देखिए, डिनाइल का मीनिंग होता है अपनी एक्सेप्टेंस हम अगर शो नहीं कर रहे हैं उसको डिनाइल मोड में हम रखेंगे, यानी सामने वाला हमें कुछ दे रहा है अपनी मर्जी से और उसको हमने डिनाई कर दिया, तो उसको हम क्या करेंगे, डिनाइल मोड में लेकर के आएंगे। तो अपना आंसर अगर हम इस हिसाब से देखें तो यहाँ नहीं, डिनाइल में नहीं बनेगा, अपना आंसर रिफ्यूजल में निकल करके आएगा। रिफ्यूजल का मीनिंग होता है अस्वीकार करना, इसका मीनिंग क्या होता है, अस्वीकारना, अस्वीकारना। और डिनाइल का मीनिंग क्या होता है, न मानना, मनाही करना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अंतर है, इस तरह के ऑप्शंस में हमें कन्फ्यूजन होती है। और फिर हम जैसे कोई एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर लेते हैं और फिर हम ऑब्जेक्शन लगाते हैं, तो हमें एक सेंस समझना ज़रूरी होता है, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप बने रहें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्शन की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। आगे हम वर्ड की तरफ चलते हैं। ओडेशियस एक वर्ड अपने पास आया है, ओडेशियस एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, इम्पोर्टेंट वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है डेयरिंग, ठीक है ना। जैसे डेयरिंग, डेयरिंग का मीनिंग क्या होता है, हिम्मती, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, साहसी। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा साहसी हो, जोखिम उठाने वाला हो, उसको हम डेयरिंग की श्रेणी में लाते हैं और ओडेशियस उसका मीनिंग होता है। आगे हम ऑप्शंस को रूल आउट करते हैं, अपना आंसर ज़रूर सोच लें। फर्स्ट वर्ड है टिमिड, टिमिड, और इसका मीनिंग हो गया ऐसा व्यक्ति जो एक तरह से डरपोक हो, उसको टिमिट की श्रेणी में हम लेंगे। वल्गर का मीनिंग हो गया भद्दा, और लो का मीनिंग हो गया नीचा, और अनप्रैक्टिस्ड का मीनिंग हो गया जिसका प्रैक्टिस हमने नहीं किया है, अभ्यास नहीं किया है। तो ज़रा देखिए, जैसे ही मैंने आपको इनकी मीनिंग बताई आपको शायद आंसर का पता लग गया होगा, वल्गर नहीं हो सकता, लो भी नहीं अपना आंसर हो सकता, अनप्रैक्टिस्ड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अपना एक ही आंसर बनता है साहसी, जिसके अंदर साहस की कमी हो, डरपोक हो, वो टिमिड होगा। टिमिड का मीनिंग क्या हुआ, डरपोक हुआ, है ना। तो अपना ओडेशियस याद रखिएगा, इसका मीनिंग होता है साहसी, और ऑपोजिट वर्ड इसका रहेगा टिमिड। अभी हम आगे बढ़ते हैं और इनफ की तरफ चलते हैं। इनफ का मीनिंग होता है काफ़ी या फिर पर्याप्त, और इसको सफिशिएंट भी बोल सकते हैं हम, लेकिन सफिशिएंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, काफ़ी अपना एक एडजेक्टिव है ये। और इनएडिक्वेट अपना आंसर ज़रूर सोच लें, मैं बता रहा हूँ, इनएडिक्वेट का मीनिंग हो गया अपर्याप्त। तो इनफ का मीनिंग हो गया पर्याप्त, ये अपर्याप्त, और स्कैर्स का मीनिंग भी कमी। देखिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहेगी ऑप्शंस में, उसको हम अच्छे से समझेंगे, बस आप बने रहिए। डेफिसिट का मीनिंग भी कहीं ना कहीं कमी, लेस का मीनिंग भी कम या कमी, हमें हर जगह से एक जैसा ही जवाब इसमें मिल रहा है, यानी जितने भी ऑप्शंस हमने करे हैं उसमें हमें इसमें कमी ही देखने को मिल रही है, यानी कन्फ्यूजन देखने को मिल रही है। तो स्कैर्स अगर हम देखें तो इसका जो भाव है वो जैसे कहते हैं जो सफिशिएंसी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सफिशिएंसी या सफिशिएंट यहाँ पर आता तब यहाँ पर क्या रहता, अपना स्कैर्स आंसर हो सकता था, ठीक है ना। तो डेफिसिट भी यहाँ पर अपना आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है ना, लेस भी नहीं हो सकता क्योंकि मोर का जो ऑपोजिट है वो लेस रहेगा। और जो कहते हैं ना प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम लॉस में लेकर के जा सकते हैं, और जब हम मनी के सेंस में अगर हम बात करते हैं तो उसमें डेफिसिट में हम लेकर के जा सकते हैं। तो अपना जो आंसर है वो तीन में से कोई नहीं बन रहा। तो इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मीनिंग अपना क्या रहेगा, अपर्याप्त रहेगा, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन ए राइट रहेगा,
उम्मीद करता हूँ सभी का भी आंसर रहा होगा यही। उसके बाद में वर्च्यू, वर्च्यू का मीनिंग होता है कोई ना कोई गुण होना, ये एक नाउन है, संज्ञा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? क्वालिटी। वर्च्यू का मीनिंग क्या हुआ? क्वालिटी। तो चलिए अपना आंसर जरूर सोच लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। वाइस, वाइस का मीनिंग क्या होता है? जिसके अंदर अवगुण ज़्यादा होते हैं, बुराइयाँ ज़्यादा होती है, तो बुराई क्या हो गया? वाइस। फ्रॉड, धोखाधड़ी। विकेडनेस, विकेडनेस का मीनिंग होता है जब हम कोई बुरे काम करें उस बुराई को हम विकेडनेस बोलते हैं। क्राइम का मीनिंग जुर्म, तो आप देखिएगा फ्रॉड अपना नहीं हो सकता है और क्राइम नहीं हो सकता है, हमारा ऑप्शन या तो आंसर जो है ऑप्शन ए में या सी में कहीं ना कहीं अपना रहेगा। तो देखिए विकेडनेस जो होता है वो अपना आंसर नहीं बन सकता, विकेडनेस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है किसी भी इंसान की दुष्टता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? दुष्टता। अगर एक मैं मीनिंग देखो ना तो इसका रहेगा दुष्टता। और वाइस जो है वो सीधी सीधी अपनी क्या है, वर्च्यू अगर गुण है तो वाइस का मीनिंग क्या हो गया? अवगुण हो गया। विकिडनेस अवगुण में नहीं आएगा। अगर इसका सही मीनिंग अगर आप देखोगे तो विकिडनेस का मीनिंग क्या रहेगा? दुष्टता। वर्च्यू का सही ऑपोजिट क्या रहेगा? वाइस। तो वी फॉर वर्च्यू, वी फॉर वाइस, याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं, उसके बाद में जील के बारे में बात करते हैं। जील जैसा कि आप देख पा रहे हो इसका मीनिंग क्या हुआ? उत्साह। जील का मीनिंग क्या हुआ? उत्साह। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो फुल ऑफ एनर्जी होता है, उसके अंदर उत्साह होता है, इंथुजियाज्म होता है। तो एक वर्ड अगर सिनोनिम की बात करें तो मैं बता देता हूँ, इंथुजियाज्म। तो इंथुजियाज्म क्या रहेगा? उत्साह की श्रेणी में हम लेंगे। हॉस्टिलिटी का मीनिंग हो गया हिंसक प्रवृत्ति रखना, और डिफिडेंस और एपैथी और कंटेम्प्ट। तो अब इनमें से अपना आंसर हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके मीनिंग की तो इसका मीनिंग क्या होगा? हॉस्टिलिटी का मीनिंग, ये मैं क्लास वन में भी आपको बता सका हूँ। हिंसक, कोई व्यक्ति अगर हिंसक है तो उसको हॉस्टिलिटी में हम काउंट करते हैं। डिफिडेंस, ये वर्ड आप याद रख लीजिए, मैं मीनिंग लिख रहा हूँ शाइनस। शाइनस का मीनिंग हो गया शर्मिंदगी होना। अगर कोई व्यक्ति शर्मिंदा है किसी बात को लेकर के तो उसको डिफिडेंस बोलते हैं, शाइनस बोलते हैं। एपथी का मीनिंग हो गया किसी के अंदर कोई रुचि न लेना। कंटेम्प्ट का मीनिंग हो गया घृणा। तो सबसे पहले हमें इनके मीनिंग देख लेने जरूरी है। जब हम उत्साह के बारे में बात करते हैं तो हॉस्टिलिटी में नहीं, कंटेम्प्ट में भी हमें नहीं देखने को मिल रहा। बी या सी में से अपना कोई आंसर हो सकता है। तो डिफिडेंस, साइनस, साइनस का मीनिंग शर्मिंदगी, तो अपना उत्साह का सही ऑपोजिट नहीं हो सकता, ठीक है ना। शर्मिंदगी अपना उत्साह का ऑपोजिट नहीं हो सकता। एपैथी का मीनिंग होता है जब हम रुचि नहीं लेते हैं, तो इसको बोलते हैं जैसे इन इक्विजिटिवनेस न होना, यानी उत्साह न होना, क्यूरियसिटी अगर न होना तो उसको हम एपैथी बोलते हैं, कटा हुआ रहना। तो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? एपैथी रहेगा, याद रखिएगा। आगे वर्ड आ रहा है सिंपथी। सिंपथी का मीनिंग हो गया अगर हम किसी के प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो सहानुभूति अपना नाउन है, संज्ञा है। इसके ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, अपना आंसर जरूर सोच लें। एनिमिटी का मीनिंग हो गया शत्रुता। क्रूएल्टी हो गया अपना जैसे किसी पर हम निर्दयता रखते हैं। एबोरेंस, एबोरेंस का मीनिंग हो गया घृणा। तो देखिए ऊपर कॉन्टेम्प्ट आया था, एबोरेंस आया, मतलब इसका सिनोनिम एबोरेंस का ये हो सकता है। या एबोरेंस का मीनिंग क्या हो गया, जैसे अगर हम डिस्पाइज करते हैं घृणा। एक वर्ड और बता रहा हूँ मैं आपको, डिस्पाइज। डोंट वरी, ये सारी क्लासेस कर लेने के बाद में आपके पास इतने सारे वर्ड्स आ जाएंगे, यू विल बी द मास्टर ऑफ इंग्लिश वोकैब एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश। एपैथी ऊपर आया था, तो सिंपथी के बारे में अगर हम बात करें तो अपना अभी इसमें से आंसर कौन सा हो सकता है? सारे मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं, आप ज़रा सोचें। सिंपथी देखिए, इसका झील का भी हमने एपैथी लिया था, तो सिंपथी का मीनिंग भी एपैथी होगा,
जरा ध्यान से देखिए, एपैथी का मीनिंग होता है जब हम किसी के अंदर कोई रुचि न ले। जब हम रुचि लेंगे तो जील भी होगी, सिंपति भी होगी, लेकिन सिंपति का अपना सही ऑपोजिट वर्ड क्या रहेगा, एंटोनिम क्या रहेगा, एपैथी। एपैथी का मीनिंग वी आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन एनीथिंग, एनीथिंग, राइट। तो आगे हम चलते हैं और इरुडाइट के बारे में बात करते हैं। तो अपना एडजेक्टिव है, इरुडाइट का मीनिंग होता है शिक्षित और एजुकेटेड, एजुकेटेड, शिक्षित। जो प्रोफेशनल होता है वो एरुडाइट होता है। तो प्रोफेशनल, देखिए इमेच्योर, पहले मैं आपको इसके ऑप्शन बता रहा हूँ। प्रोफेशनल का मीनिंग आपको पता होगा, इमेच्योर का मीनिंग होता है अपरिपक्व, अनइमेजिनेटिव का मीनिंग होता है अकल्पनशील, और इग्नोरेंट का मीनिंग हो गया जिसके अंदर अज्ञानता होती है वो इग्नोरेंट होता है। तो अपना अगर हम देखें, इरुडाइट का मीनिंग एजुकेटेड होता है, उसके बाद में अगर इसका सही ऑपोजिट देखें तो प्रोफेशनल नहीं हो सकता, ठीक है ना, इमेच्योर भी नहीं हो सकता, अनइमेजिनेटिव भी नहीं हो सकता। तो अपना आंसर क्या रहेगा, इग्नोरेंट, जो अज्ञानी हो। इसका मीनिंग क्या हो गया, जानकार, शिक्षित, पढ़ा लिखा। इग्नोरेंट का मीनिंग अनपढ़, अनजान। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, हेल्पलेस की बात करते हैं। ये अपना एडजेक्टिव है, हेल्पलेस का मीनिंग होता है अनलकी, ऐसा व्यक्ति जो बदकिस्मत हो उसको हेल्पलेस बोलते हैं। हेल्पलेस देखिए, लकी, काइंड, हेल्पफुल, फिटाइल। फिटाइल का मीनिंग होता है व्यर्थ, फिटाइल का मीनिंग क्या होता है, व्यर्थ, ठीक है ना। तो व्यर्थ ना, इसमें अनलकी का कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपना फ्यूटाइल नहीं बन सकता, हेल्पफुल भी नहीं बन सकता और काइंड भी नहीं हो सकता। तो अपना ऑप्शन ए सीधा हमारे आंसर की लिस्ट में आ जाता है, तो लकी अपना आंसर रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। हैप्पीनेस का मीनिंग होता है खुशी, क्या रहेगा अपना, खुशी, एक तरह का प्लेजर। कंटेंटमेंट का मीनिंग होता है जो संतुष्टि हमें होती है, इसका मीनिंग क्या होगा, कंटेंटमेंट का मीनिंग क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का भाव जो होता है वो कंटेंटमेंट कहलाता है। ग्रीफ का मीनिंग हो गया दुख, रिनन्सिएशन, रिनन्सिएशन का मीनिंग हो गया सेक्रीफाइस, इसका मीनिंग भी आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। सेक्रीफाइस यानी आप इसको बोल सकते हैं त्याग, ये ई है लास्ट में, इसका मीनिंग क्या होगा, त्याग, हिंदी में भी लिख रहा हूँ त्याग। और सर्टिट्यूड का मीनिंग निश्चित तौर पर, तो सर्टिट्यूड नहीं हो सकता, और हैप्पीनेस का रिनन्सिएशन भी नहीं हो सकता, और कंटेंटमेंट भी अपना आंसर जो है वो इसमें निकल करके सामने नहीं आ रहा है, कंटेंटमेंट भी नहीं हो सकता। तो अपना आंसर क्या रहेगा, ग्रीफ रहेगा। तो हैप्पीनेस का जो डायरेक्ट अपोजिट वर्ड है वो क्या रहेगा, ग्रीफ रहेगा। क्विटिड, अक्विटिड अपना जो है वो एडजेक्टिव है। अगर मैं इस एडजेक्टिव के बारे में बात करूं तो ये हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पर मिला है, एक्विटिड। एक्विटिड का मीनिंग होता है, चलिए मीनिंग से पहले इसको हम ऐसे ही अटेम्प्ट करते हैं। मान लीजिए आपको इसका मीनिंग नहीं पता है, हम एक बार मान लेते हैं कि एक्विटिड एग्जाम में आ गया और हमें इसका मीनिंग नहीं पता है, तो हम आगे कैसे इसको अटेम्प्ट करें, मेन वर्ड का ही अगर हमें मीनिंग ना पता हो तो। और ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी सारी क्लासेस और प्रैक्टिस करने के बाद में आपको ये सब मीनिंग ना पता हो, क्योंकि हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। इंटरेस्टेड, जब हमें लग रहा है मतलब किसी के हाथ में कोई चीज़ सौंप देना, उसके हवाले कर देना, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। कन्विक्टिड, जिस पर कोई आरोप लगा देना। बर्डन्ड, मतलब अगर बोझिल हो, फ्रीड, आज़ाद किया हुआ। तो इसमें देखो, जब हम इंटरेस्टेड के बारे में बात करते हैं तो ध्यान से देखो, इसका एक ट्रिक हमें निकल के आ रहा है। यहाँ से देखो, क्विट, एक वर्ड दिख रहा है ना, क्विट, क्विट का मीनिंग क्या होता है, छोड़ देना, छोड़ देना। क्विट का मीनिंग, हमें मीनिंग नहीं पता था,
लेकिन फिर भी हमने एक गैस किया, एक हमें हिंट मिला कि क्विट इसमें कहीं ना कहीं हमें मिला हुआ है। इंटरेस्टेड का मीनिंग तो होता है सौंप देना, तो क्या ये हो सकता है? नहीं। और बर्डन्ड, बोझिल होना, नहीं। तो फ्रीड क्या हो सकता है? यानी आज़ाद कर देना, क्विट छोड़ देना, नहीं हो सकता। यानी ये तो सिनोनिम के तौर पर आ गए, तो अपना एक ही ऑप्शन बचा इसमें, वो रहा कन्विक्टेड। तो अपना आंसर क्या रहेगा 70 का? कन्विक्टेड। तो मैं बता देता हूँ, एक्विटेड का मीनिंग होता है छोड़ा हुआ, और कन्विक्टेड का मीनिंग होता है जिस पर कोई मतलब आरोपित व्यक्ति, ठीक है ना, आरोप साबित हो जाता है, तो उसको आरोपित व्यक्ति की कैटेगरी में हम काउंट करते हैं। आगे हम चलते हैं वल्गर। वल्गर का मीनिंग क्या होता है? भद्दा, या जो सेंसलेस हो। अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं, मीनिंग की बात करूं, तो अपना क्या निकल करके आ रहा है? सेंसलेस, ठीक है। रिफाइंड का मीनिंग क्या हो गया? शुद्ध, चीयरफुल, खुशी से परिपूर्ण, ठीक है ना। और जोली, जोली का मीनिंग मजाक किया। रेलेवेंट का मीनिंग तर्क संगत। तो देखो ध्यान से देखो, अपना वल्गर जो है उसका मजाक किया तो नहीं हो सकता। रेलेवेंट का मीनिंग होता है तर्क संगत, यानी कि जो बात जिससे संबंधित होती है वो की बात कहना वो रेलेवेंट कहलाता है। और खुशी से परिपूर्ण, चीयरफुल भी नहीं हो सकता। तो अपने बी सी डी आंसर नहीं हो सकते। एक ऑप्शन बच गया रिफाइंड। रिफाइंड का मीनिंग होता है शुद्ध और बहुत अच्छे से जांचा परखा हुआ। वल्गर के अंदर हम कोई जांच परख नहीं करते हैं, लेकिन चीयरफुल सॉरी रिफाइंड के अंदर हम जांच परख करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं प्रॉपर, और उसके बाद कोई चीज़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो थ्रिप्ट, थ्रिप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है एक तरह का ऐसा व्यक्ति जो पार्सिमोनियस हो, पार्सिमोनियस या माइजर हो। यानी आप अगर एक हिंदी का वर्ड मैं आपको दूं तो इसका मीनिंग क्या होगा? कंजूस। ऐसा व्यक्ति जो पैसे खर्च करने के बारे में बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो। तो परचेज का मीनिंग क्या होता है? खरीद लेना। डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। वेस्ट, वेस्ट का मीनिंग होता है बर्बाद करना। इन्वेस्ट, इन्वेस्ट का मीनिंग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना। तो देखो मैंने राइट आंसर आपको बता भी दिया। वेस्ट, कंजूस जो होता है वो पैसे को सही जगह पर यूज करता है, बचा करके रखता है, परचेज नहीं करेगा, बचाएगा तो खराब भी नहीं करेगा और डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, यानी नष्ट नहीं करेगा। तो इन्वेस्ट भी वो नहीं करेगा, यानी कहीं पैसा लगाएगा नहीं। तो इसका जो डायरेक्ट अपना थ्रिफ्ट वाला जो है वो क्या रहेगा? वेस्ट रहेगा, ठीक है ना। कंजूस का क्या रहेगा? थ्रिफ्ट का ऑपोजिट क्या रहेगा? इन्वेस्ट रहेगा, सॉरी जो है आप देखिए, थ्रिफ्ट का अपना जो डायरेक्ट है ऑपोजिट वर्ड वो वेस्ट रहेगा। तो वेस्ट अपना रहेगा। आगे है लेकोनिक। लेकोनिक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत कम बोलता है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा? कम बोलने वाला। इस व्यक्ति की विशेषता होगा जो व्यक्ति कम बोलता है, कम बोलना। कम बोलना क्या कहलाता है? लेकोनिक कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं मीनिंग बता रहा हूं। प्रोलिक्स, प्रोलिक्स का मीनिंग होता है बकबक करना। प्रोफ्लिगेट, प्रोफ्लिगेट का मीनिंग होता है टाइम, यहां पर मीनिंग लिख रहा हूं, टाइम एंड मनी, पैसे और समय दोनों की वेस्टेज, टाइम एंड मनी वेस्टेज, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है? प्रोफ्लिगेट कहलाता है। प्रोफ्लिगेट, टाइम एंड मनी वेस्टेज। प्रोलिफिक का मीनिंग होता है ऐसा प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होता है ना उसको प्रोलिफिक बोलते हैं। ब्यूकोलिक, ब्यूकोलिक का मीनिंग होता है गांवों से संबंधित, देहाती क्षेत्र, ठीक है ना। तो इसका ब्यूकोलिक का आप याद रखिएगा, इस तरह के वर्ड भी आ जाते हैं। तो क्या रहेगा? देहाती क्षेत्र, देहाती इलाका, ठीक है। तो अपना प्रोफ्लिगेट नहीं हो सकता, प्रोलिफिक नहीं हो सकता, ब्यूकोलिक भी इसमें नहीं हो सकता, बकबक करना प्रोलिक्स, याद रखिएगा। कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बोलता है, बेकाम, बेकार में बोलता है, बेकाम बोलता है, तो उसको हम प्रोलिक्स में काउंट करते हैं।
आगे है क्यूरलस, क्यूरलस भी अपना क्या है एडजेक्टिव है, तो इसका एक सिनोनिम बता देता हूँ, काफी अच्छा सा है, विशेषण है ये, इसका रहेगा पीविश। पीविश का मीनिंग होता है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा, ऐसा व्यक्ति जो चिड़चिड़ा हो, बात बात पर गुस्सा करता हो, शिकायतें करता हो, उसको क्वेरुलस बोलते हैं। ब्राइट का मीनिंग क्या हुआ फिर, खुश, जिसके अंदर चमक रहती है एक तरह की। स्प्लेंडिड का मीनिंग क्या हुआ, शानदार। स्मार्ट का मीनिंग क्लेवर। हैप्पी का मीनिंग खुश। देखो इसका जो डायरेक्ट अपोजिट निकल के आ रहा है वो खुश में आ रहा है, क्योंकि यहाँ हम डबल कन्फ्यूज हो रहे हैं। ब्राइट का मीनिंग चमकीला भी होता है, और वैसे जैसे चमकीली स्माइल में हम इसको काउंट करते हैं, तो अपना ये नहीं रहेगा। स्प्लेंडिड तो हो ही नहीं सकता है, स्मार्ट भी नहीं रहेगा, तो अपना आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और एब्सोल्यूट के बारे में बात करते हैं। एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है टोटल, एक तरह का क्या होता है टोटल, संपूर्ण। स्कैर्स का मीनिंग कमी, लिमिटेड का मीनिंग सीमित होना, ये कमी होता है, ये सीमित होना। फोल्ट का मीनिंग दोष हो गया, और डेफिशिएंट का मीनिंग क्या हो गया, जिसके अंदर कोई ना कोई कटौती हो, क्वालिटी के अंदर जो समझौता किया जाता है उसके बारे में हम डेफिशिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट का मीनिंग हो गया टोटल, यानी हर चीज़ पर एक बात लागू होना, उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो अपना स्कैर्स नहीं हो सकता, फोल्ट नहीं हो सकता, डेफिशिएंट नहीं हो सकता, इसका मीनिंग होगा लिमिटेड। एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होगा, सीमित, यानी कुछ जगह पर ही लागू होना, और इसका मीनिंग क्या हुआ, हर जगह एक जैसा लागू हो जाना, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं, और सिर्फ एक कुछ जगह पर ही लागू होने को हम लिमिटेड बोलते हैं। ठीक है, तो आगे है अपना ट्रम्परी। ट्रम्परी का मीनिंग होता है सस्ता परंतु महंगा, चीप बट कॉस्टली, चीप बट कॉस्टली, है ना। चीप बट कॉस्टली का मीनिंग क्या हो गया, शो ऑफ करने से हो गया, शो ऑफ का मीनिंग क्या हो गया, दिखावा। अब इसको ऐसे समझ लो कि ऐसा कोई भी दिखावा जो सस्ता है, लेकिन सस्ते को बढ़ा चढ़ा करके रखा गया है, यानी सस्ती वस्तु को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके सामने रखा गया है, दिखावा किया गया है, उसको ट्रम्परी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका ऑपोजिट हम अब ढूंढते हैं। डिफीट का मीनिंग हार, वेस्टिज का मीनिंग बर्बादी, ट्रेजर का मीनिंग क्या होता है, खजाना, वैग, वैग का मीनिंग होता है अस्पष्ट, वैग का मीनिंग होता क्या है, अनक्लियर, ये मीनिंग लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, इसका मीनिंग क्या होगा, अनक्लियर। देखो टेम्परी का मीनिंग चीप बट कॉस्टली शॉप, यानी कि सस्ती चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके सामने रखना, तो डिफीट नहीं हो सकता, और वेस्टिज भी नहीं हो सकता, वैक अनक्लियर नहीं हो सकता क्योंकि बढ़ा चढ़ा करके रखा गया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ट्रेजर ना, सही, इसमें ऑपोजिट वर्ड क्या निकल के आया, ट्रेजर। तो हमें रूल आउट कर लेना होता है ऑप्शंस को, फिर हमें अपना जो डायरेक्ट आंसर है वो इसमें देखने को मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं, और नेक्स्ट वर्ड जो अपना है वो मैग्नीफाई है। मैग्नीफाई का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ को ज़्यादा फोकस करना, बड़ा करके दिखाना, तो मैग्नीफाई का डायरेक्ट ऑपोजिट हम देख लेते हैं, यानी बड़ा करके दिखाना, है ना। इंड्यूस, इंड्यूस का मीनिंग किसी ने किसी चीज़ को डालना, ठीक है ना, सामने लेकर के आना। डिमिनिश का मीनिंग हो गया कम करना, कटौती करना, डिस्ट्रॉय ख़त्म करना, श्रिंक सिकुड़ना। तो अब देखो जो होता है, मैग्नीफाई का मीनिंग होता है फोकस करना, इसका अगर हम सेंस देखें वर्ड का तो क्या रहेगा, ग्रीमा, और वर्ब है तो ग्रीमा बनाना, या किसी की महिमा गाना, महिमा मैं करना, ग्रीमा मैं करना, तो इंड्यूस नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय खराब करना ये भी नहीं हो सकता, श्रिंक सिकुड़ना ये स्ट्रेच का हो सकता है, और ये कंस्ट्रक्ट का डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो डिमिनिश का मीनिंग क्या होता है, किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना, ठीक है ना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना,
डिमिनिश या उसको कम करना डिमिनिश कहलाता है। तो मैग्नीफाई का डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपना क्या सॉरी ऑपोजिट वर्ड क्या रहेगा, एंटोनिम क्या रहेगा, डिमिनिश। आगे हम बढ़ते हैं और डिसेंट के बारे में बात करते हैं। डिसेंट का मीनिंग क्या होता है, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, इस एग्रीमेंट, यानी ऐसा ये वर्ड है जिससे असहमति नजर आती है। नाउन है डिस्प्यूट, झगड़ा ये नहीं, डिसयूनिटी जिसके अंदर यूनिटी ना हो, कंट्रोवर्सी कोई ना कोई विवादास्पद बात हो, तो अपना एक ही जवाब इसमें रहता है एग्रीमेंट, समझौता। तो इसका अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी ऑपोजिट वर्ड क्या रहा, डिस एग्रीमेंट का एग्रीमेंट या डिसेंट का एग्रीमेंट रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सेलिबसी के बारे में बात करते हैं। सेलिबसी का मीनिंग क्या होगा, वन हु इज नॉट मैरिड, वन हु इज नॉट मैरिड, ऐसा व्यक्ति जो मैरिड नहीं है, यानी ब्रह्मचर्य। चेस्टिटी का मीनिंग हो गया शुद्धता, मीनिंग लिख रहा हूँ जो मुश्किल वर्ड है उनके तो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, शुद्धता। और मिसोजिनी का मीनिंग क्या हो गया, जो महिलाओं से एक तरह का क्या हो गया, विमेन हेटर, महिलाओं से घृणा करने वाला जो व्यक्ति है, वन हु हेट्स विमेन, तो मिसोजिनी होता है। मैट्रिमनी विवाह से संबंधित, डिवोर्स तलाक, तो डिवोर्स नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एसटीडी शुद्धता नहीं हो सकता। मैट्रोमनी यानी कि मैरिज से वर्ड था, तो मैट्रोमनी ही अपना ऑपोजिट इसमें होगा। ठीक है ना, आगे फिर हम बात करते हैं बूस्ट। बूस्ट का मीनिंग होता है बढ़ा देना, प्रोत्साहन देना, मोटिवेट करना। उसके ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। हिंडर का मीनिंग होता है रोक देना, ऑब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग भी रुकावट उत्पन्न करना, डिस्करेज का मीनिंग क्या होता है किसी के हौसले को कम करना, रिब्यूक डांटना, रिब्यूक का मीनिंग स्कोल्ड डांटना, ये नहीं हो सकता, और डिस्करेज भी नहीं हो सकता, और ऑब्स्ट्रक्ट या हिंडर में से कोई हो सकता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं कि हमें एक ही वर्ड जो है वो डबल मीनिंग दे रहा है, हिंडर भी वही मीनिंग में लेकर के आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट भी वही मीनिंग दे रहा है, तो मेरे हिसाब से इन दोनों का जो आंसर है वो ए और बी दोनों होना चाहिए। ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्ट और हिंडर दोनों ही आंसर होंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, हौसला देना। ठीक है ना, और हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट दोनों ही आंसर होंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो डेफिनेट जो है वो ए और बी को कंसिडर किया जाता है। इम्प्रोप्रियरिटी, इम्प्रोप्रियरिटी देखो, प्रॉपर एक वर्ड याद रखिए, प्रॉपर, प्रॉपर आपने सुना होगा पढ़ा होगा पहले, प्रॉपर का मीनिंग होता है सही उचित। अगर उसी को मैं इम्प्रॉपर कह दूं, अगर मैं इसके आगे इम लगा दूं, जैसे मैंने मान लीजिए इम लगा दिया प्रीफिक्स के तौर पर, तो ये क्या बन गया, इम्प्रॉपर और अनुचित हो गया। ठीक है ना, तो इम्प्रॉपरिटी का मीनिंग हो गया अनुचित व्यवहार, इम्प्रॉपर क्या हो गया अनुचित, और इम्प्रोप्रियरिटी का मीनिंग क्या हो गया अनुचित व्यवहार। अब हम इसके ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। प्योरिटी का मीनिंग शुद्धता हो गया, आइडियल का मीनिंग आदर्श हो गया, कन्फॉर्मिटी का मीनिंग हो गया जो तालमेल सही रखे, यानी कि कन्फॉर्मिटी का मीनिंग हो गया जो अपने मतलब किसी भी मॉडल में फिट हो जाए। मान लीजिए ये अपना क्या है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, और इस कोड ऑफ कंडक्ट में यानी एक आदर्श है, अपने नियम नियमावली है कोड ऑफ कंडक्ट, और उसमें अगर कोई व्यक्ति उसमें रह कर के काम करता है तो उसको कन्फॉर्मिटी में काउंट किया जाता है, यानी कि बिल्कुल अच्छे से कहीं भी समाहित हो जाना। तो इम्प्रोप्रियरिटी का मीनिंग अनुचित व्यवहार, डेकोरम, डेकोरम का मीनिंग होता है उचित व्यवहार, डिसिप्लिनड बिहेवियर जो होगा, इनडिसिप्लिनड बिहेवियर इम्प्रोप्रियरिटी बोल सकते हो, और डिसिप्लिनड बिहेवियर जो होगा अनुशासित व्यवहार क्या होगा, डेकोरम कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अनसलिड,
अनसलिड का मीनिंग होता है, देखिए सबसे पहले सलिड का मीनिंग हमें जान लेना जरूरी है। सलिड का मीनिंग होता है जैसे शुद्ध होता है। सलिड, देखिए सबसे पहले आप सलिड का मीनिंग देख लीजिए। ऐसे अनसलिड का मीनिंग तो शुद्ध होता है। सलिड का मीनिंग क्या होता है? शुद्ध होता है। अनसलिड का मीनिंग, और सलिड का मीनिंग हो गया इम्प्योर। इम्प्योर मीनिंग अशुद्ध। तो कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले सलिड, सलिड को अगर हम वर्ड के तौर पर देखें तो उसका मीनिंग होता है इम्प्योर, अशुद्ध। तो यहाँ पर अनसलिड यानी इसका अपोजिट वर्ड दिया गया है। तो सलिड अगर अशुद्ध होता है तो अनसलिड का मीनिंग क्या हुआ? शुद्ध हुआ। विजिबल जो हमें दिखाई पड़ता है। फॉल का मीनिंग भी क्या हो गया? अशुद्ध होता है एक तरह से, तो फॉल तो नहीं हो सकता। और स्टेनलेस, स्टेनलेस जिसके अंदर कोई भी धब्बा ना हो, वो भी अपने एक बार आप इसके जो सारे वर्ड्स हैं वो देख लीजिए। और स्टेनलेस, पहले मैं आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग मजबूत, तो स्ट्रॉन्ग भी अपना नहीं हो सकता। विजिबल जो दिखाई पड़ता है वो भी नहीं हो सकता। स्टेनलेस का मीनिंग हो गया जिसके अंदर कोई धब्बा ना हो, धब्बा ना हो मतलब शुद्ध। तो अपना जो आंसर है वो कहाँ? स्टेनलेस भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या हुआ? फॉल हुआ। इसमें अपना आंसर क्या हुआ? फॉल। एक ही आंसर बन रहा है। देखिए आपने सोच रखा होगा, मैंने जान बूझ कर इसको क्रॉस कर दिया था, क्योंकि सबसे पहले हमें ये देख लेना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम टाइम में हमारे सामने क्या सिचुएशन आती है। किसी तरह की एक कंडीशन आती है कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, और शुरू में जो हमने क्रॉस किया वही हमारा आंसर हो जाता है। तो अनसलिड का मीनिंग शुद्ध होता है, विजिबल अपना हो ही नहीं सकता था, स्ट्रॉन्ग अपना नहीं हो सकता, स्टेनलेस, स्टेनलेस का मीनिंग जिसके अंदर धब्बा ना हो, जो साफ हो, जो बिल्कुल अच्छा दिखाई पड़े, उसको हम स्टेनलेस में काउंट करते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट मीनिंग पर जाएं तो फोल, फोल का मीनिंग होता है जिसके अंदर दुर्गंध आ रही हो, शुद्ध ना हो, उसको फॉल यानी स्मेल के तौर पर हमने यहाँ पर इसको काउंट किया है। आगे हम बात करते हैं स्मूथ। स्मूथ का मीनिंग होता है, मान लीजिए एक रास्ता है और बिल्कुल अच्छे से जा रहा है और कोई रुकावट नहीं है, कोई गड्ढे नहीं है, तो उसको स्मूथ बोलेंगे। अगली बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऑकवर्ड, अजीब, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। हार्ड, ये भी नहीं हो सकता है। ऑकवर्ड का मीनिंग होता है अजीब, स्ट्रेंज, ये मीनिंग लिख रहा हूँ मैं ताकि आपकी वो कैप अच्छी हो जाए। रफ का मीनिंग हो गया, जैसे मान लीजिए ये रास्ता था, रफ का मीनिंग क्या हुआ? ये रास्ता, इस तरीके का रास्ता है जिसमें गड्ढे हैं, ऊंचा नीचा रास्ता है। नर्वस, नर्वस का मीनिंग होता है विशेषता है, एडजेक्टिव है, घबराहट आप कह सकते हो, घबराया हुआ कोई व्यक्ति होता है वो नर्वस होता है। बोल्ड का मीनिंग क्या हुआ? बहादुर हुआ। डाउटफुल, जिसके अंदर मन में शंका हो, शक हो, ये नहीं हो सकता। टिमिड, कायर हो गया, ये भी नहीं हो सकता। श्रुविश, श्रुविश का मीनिंग हो गया जो चालाकी भरा व्यवहार करता है। तो अपना एक ही आंसर बचा बोल्ड। नर्वस का ऑपोजिट क्या हुआ? बोल्ड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और 85th वर्ड की तरफ चलते हैं। आज फिर हम 50 वर्ड्स करेंगे, 100 तक चलेंगे। अक्यूट, क्यूट का मीनिंग होता है प्रबल, ठीक है ना, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव का भाव पाया जाए, शार्पनेस जिसके अंदर हमें देखने को मिले। तो शार्प जो हो गया वो इसका सिनोनिम हो गया, तो ऑपोजिट तो नहीं हुआ, तो ये अपना चला गया। क्रिटिकल, आलोचक, ये भी नहीं हो सकता। आलोचनात्मक, ये भी नहीं हो सकता। डल, सेंसिटिव, जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, संवेदनशील हो, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अक्यूट का मीनिंग क्या हुआ? डल, नीरस में आया, यानी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव हो उसको अक्यूट बोलते हैं। डल के अंदर प्रभाव नहीं होता, निरसता हमें देखने को मिलती है। आगे हम बढ़ते हैं और बेस के बारे में बात करते हैं। बेस का मीनिंग क्या हुआ? बिल्कुल आधार, ये अपना आधार है, ठीक है। रूफ, छत, नहीं। उसके बाद में हाइट, ऊंचाई, ये भी नहीं हो सकता। क्लाइमेक्स, चरमावस्था, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ बेस का? टॉप, यानी ये दो अवस्थाएँ हैं, ये सबसे ऊपर का है जो कि क्या है ना, टॉप है, ये सॉरी, ये है टॉप,
और बेस क्या है, ये वाला है, ठीक है ना। तो अपना ये हो गया टॉप और ये हो गया बेस। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, डिसवेड। डिसवेड का मीनिंग होता है मना करना, मना करना, मना करना वर्ब है। तो एक वर्ड हमने पहले भी किया था, उसी का ही है, डिनाई करना। इनसाइट का मीनिंग होता है उकसाना। इनसाइट का मीनिंग किसी काम के लिए किसी को उकसाना। पर्सुएड, पर्सुएड का मीनिंग क्या होता है, मनाना, मनाना, किसी काम के लिए किसी को अग्री करना, मनाना पर्सुएड होता है। एडवाइस का मीनिंग क्या होता है, सलाह देना। इंस्टिगेट का मीनिंग भड़काना। तो मना करना, भड़काना ये नहीं, एडवाइज सलाह देना तो हम ये भी नहीं, इनसाइट भी नहीं, पर्सुएड। अपना आंसर क्या रह गया, पर्सुएड, मनाना, ठीक है ना। डिसवेड का मीनिंग क्या हो गया, मना करना, जो कोई व्यक्ति मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है, उसको हमने मना लिया, किसी काम के लिए अग्री कर लिया, तो पर्सुएड होता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अग्री करना, किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए अग्री करना, मनाना ही पर्सुएड कहलाता है। आगे हम चलते हैं और नाइव के बारे में बात करते हैं। नाइव का मीनिंग होता है सादा, सिंपल, क्या रहेगा अपना, सादा या फिर सिंपल, ठीक है। और कनिंग का मीनिंग चालाक, वेल्दी, जो साधन संपन्न रखता है, धनवान है, सोफिस्टिकेटेड, तो थोड़ा सा जिसके अंदर पेचीदगियाँ, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ। तो देखो कनिंग इसका, सादे का, चालाक नहीं हो सकता। वैसे अगर हम देखें क्लेवर, जो स्मार्ट है वो कनिंग में आ गया, और वेल्दी ये तो बिल्कुल भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड उलझा हुआ ये भी नहीं है, इसका अंदर होगा सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड मैं इसको समझा देता हूँ क्या है, सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग हो गया, जैसे मान लो आपको एरोप्लेन में ले जा करके बैठा दिया जाता है, और वहाँ बहुत सारे तरह तरह के बटन्स हैं, स्विचेज हैं, और एक इस तरीके का बोर्ड लगा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग हुआ, अगर आपको उस चीज़ की समझ नहीं है तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। इस सादे का मीनिंग ये नहीं है कि वो सिंपल है पूरी तरह से, इसका मीनिंग है कि आपको सामान्य समझ है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, एडवांस लेवल की नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। नाइव का मीनिंग क्या हुआ, सिंपल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बोला, जिसको हम बोल सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति भोला भाला है तो उसको हम नाइव बोलते हैं, सादा सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, उसकी सामान्य सी समझ है। तो चालाक का मीनिंग बिहेवियर से नहीं हम ले रहे, अंडरस्टैंडिंग से ले रहे हैं। तो सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग हो गया जिसके अंदर आपको एडवांस लेवल की समझ की ज़रूरत पड़ती है। आगे हम चलते हैं, मॉइस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मॉइस्ट का जो है एडजेक्टिव है, मॉइस्चर से ये वर्ड आया है, तो इसका मीनिंग गीला हो गया। पास्ट का मीनिंग हो गया जो भुना हुआ है, पास्ट का मीनिंग जो गर्मी से, आग से भुना हुआ, भुना हुआ, जैसे भुने हुए चने होते हैं, पास्ट ग्राम। ड्राई सूखा हुआ, और हार्ड कठिन, क्रिस्प, क्रिस्प जो जिसके अंदर क्रिस्प होता है, जो आसानी से टूट जाए चटक के साथ, तो हार्ड नहीं हो सकता, क्रिस्प भी नहीं हो सकता, अपना मॉइस्ट का क्या रहेगा, ऑपोजिट ड्राई रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद में एंथेमेटाइज, एनेथेमेटाइज, एनेथेमेटाइज का मीनिंग होता है आपका एक तरह का, अगर हम किसी को कर्ज दे देते हैं, अभिशाप देना, किसी को कोसना, जैसे कोसने को क्या बोलते हैं, कंडेम करना, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अभिशाप देना, अभिशाप देना। ये वर्ड का प्रोनंसिएशन ध्यान से देख लीजिए, एनेथेमेटाइज, एनेथेमेटाइज, अभिशाप देना, वर्ब है ये, अपनी क्रिया है। तो एनेथेमेटाइज का अगर ऑप्शन को सबसे पहले हम रूल आउट करने की कोशिश करें तो देखिए, रेडिएट, रेडिएट का मीनिंग होता है जिसके अंदर से चमक निकल रही हो। रेगुलेट,
जैसे फैन का रेगुलेटर होता है, उससे हम रेगुलेट करते हैं, मतलब उसको कंट्रोल करते हैं। डिसीव का मीनिंग धोखा देना, ब्लेस का मीनिंग आशीर्वाद देना। तो देखिए, कर्स का मीनिंग अभिशाप देना, तो ब्लेस अपना हमें डायरेक्ट मिल गया, आशीर्वाद देना। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और 10 मोर वर्ड इस क्लास में रहते हैं, हम 100 तक चलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर रहेगा, 101 से शुरू करेंगे फिर। 91 जो है अपना फेकेंट आता है, तो इसका मीनिंग हो गया उपजाऊ, उपजाऊ, फर्टाइल सोयल। ठीक है ना, तो इस वर्ड का प्रोनंसिएशन देख लीजिएगा, इसको फेकेंट में काउंट करते हैं, फिकेंट लिख देता हूँ। इसका जो एग्जैक्ट जो की है प्रोनंसिएशन की, वो ये रहेगी फिकेंट। ठीक है ना, फिकेंट, इसको क्या बोलेंगे हम, फिकेंट। फिकेंट का मीनिंग हो गया उपजाऊ, बैरन का मीनिंग हो गया बंजर, सॉलिड का मीनिंग कठोर, ये नहीं हो सकता, अनप्लोड जिसके अंदर हल नहीं चलाया गया है, प्लो, हार्ड का मीनिंग कठोर, ये नहीं हो सकता, तो बैरन बंजर, ये अपना ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। डेमन, डेमन एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, दानव, राक्षस। ठीक है, चैरिटेबल जिसके अंदर चैरिटी की भावना देखने को मिलती है, काइंड हार्टेड दयालु हृदय वाला, एंजल फरिश्ता, फार माइंडेड जो दूर की सोच रखता हो, डेमन चैरिटेबल से कोई, काइंड हार्टेड से कुछ भी लेना देना नहीं है, और फार माइंडेड दूर की सोच, इससे भी कुछ लेना देना नहीं है, तो दानव का फरिश्ता होगा। ठीक है ना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, एंजल। आगे हम बढ़ते हैं और 93rd वर्ड की तरफ चलते हैं। 93rd अपना कहता है वैंक्विश, वैंक्विश का मीनिंग क्या होता है, विजय पाना, विजय पाना या विजय प्राप्त करना, क्या कहलाता है, वैंक्विश कहलाता है। ठीक है ना, टू विन ओवर समबडी और समथिंग, सरेंडर, सरेंडर कर देना, और उसके बाद में डिबेश, डिबेश का मीनिंग क्या होता है, जब हम किसी को डीवैल्यू करते हैं, डिबेश का अगर सिनोनिम की बात करूँ ना मैं, तो अपना क्या रहेगा, डीवैल्यू करना, डीवैल्यू का मीनिंग उसकी कीमत कम करना, उसका अपमान करना, किसी चीज़ का, किसी वस्तु की कीमत को कम आंकना, बनाना, डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, रुइन भी बर्बाद करना, नष्ट करना, ये तो ये अपना इसमें से डीवैल्यू नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, तो वैंक्विश विजय प्राप्त करना, सरेंडर हार मान लेना, और सरेंडर इसका ऑपोजिट रहेगा। आगे है बिलई, इसको हम बैल जो है बैली नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या इसका जो कीज है वो मैं लिख देता हूँ, तो क्या रहेगा अपना बिलई, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अंदर है, तो ये है, ये मतलब स्ट्रेस दे रहा है, इसलिए इसका मीनिंग क्या हो गया, छल करना, कपट करना, छल या फिर कपट करना। ठीक है, तो उसको बिलई बोलते हैं, छल या कपट करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। आर्ग्यू का मीनिंग बहस करना, जस्टिफाई का मीनिंग सही ठहराना, एडमायर प्रशंसा करना, अप्रूव मतलब किसी चीज को आगे जैसे हम सही साबित करके आगे रखते हैं, उसको अप्रूव करना, अनुमोदित करना, तो अनुमोदित करना अप्रूव ये भी नहीं है, एडमायर प्रशंसा करना ये भी नहीं है, जस्टिफाई यानी कि सही बात को सही कहना, गलत बात को गलत कहना, जो सही व्यक्ति हो वो जस्ट व्यक्ति होता है, वो जस्टिफाई करता है, तो ये अपना ऑपोजिट बिलई का क्या रहेगा, जस्टिफाई रहेगा। आगे बढ़ते हैं और डिलीट की तरफ चलते हैं। डिलीट का मीनिंग होता है डिलीट कर देना, ख़त्म कर देना। इम्पाउंड, इम्पाउंड का मीनिंग अपने कब्जे में ले लेना, कब्जा करना, अपने कब्जे में ले लेना, इम्पाउंड होता है। और इंस्पायर प्रेरित करना, इंजर घायल करना, तो इंजर्ट, इंजर्ट का मीनिंग डालना, डिलीट का मीनिंग ख़त्म करना, नष्ट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्पोंडेंसी, डिस्पोंडेंसी का मीनिंग क्या होता है, निराशा व उदासी, निराशा व उदासी।
इसका मीनिंग क्या हुआ, होपलेसनेस। याद रखिएगा डिस्पोंडेंसी का मीनिंग क्या हुआ, होपलेसनेस। सिनोनिम हुआ अपना डिस्पोंडेंसी का होपलेसनेस। तो आगे हम बढ़ते हैं ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी ये बार बार वर्ड आ चुका है। प्लेजर का मीनिंग खुशी होता है। चीयरफुलनेस जिसके अंदर उत्साह होता है, खुशी होती है। एक्साइटमेंट का मीनिंग उत्तेजना। तो उत्तेजना अपना नहीं हो सकता, प्लेजर खुशी ये भी नहीं हो सकता, ह्यूमिलिटी ये भी नहीं हो सकता, इसके अंदर होगा चीयरफुलनेस। चीयरफुलनेस, चीयर, चीयर का मीनिंग क्या होता है, जब हम चीयर करते हैं, जिस जब हम हमारे अंदर खुशी की भावना एक होती है, उदासी कहीं आसपास नहीं होती है। तो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी इसका अपोजिट वर्ड क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ, चीयरफुल हुआ। आगे हम बढ़ते हैं और माइजरली की तरफ चलते हैं। माइजरली बार बार ये वर्ड पहले भी आया था, इसका मीनिंग हुआ कंजूसी। और आगे फिर क्या हुआ, लिबरल, जो काफ़ी ज़्यादा लिबरल है। आप ये मत सोचिए कि वर्ड पहले आ चुका है, आ गया होगा ऑप्शन में, लेकिन अभी हमें इसको जब हम रूल आउट करेंगे तब रियल जो हमारे सामने प्रॉब्लम है वो अराइज होती है। तो अब देखिए, लिबरल का मीनिंग हो गया स्वच्छंद, ऐसा व्यक्ति जो स्वच्छंद है, यानी उसकी सोच लिबरल है, बड़ी सोच है, छोटी सोच नहीं है, उसको बड़ी सोच को हम लिबरल बोलते हैं। और स्पेंडथ्रिफ्ट का मीनिंग हो गया जो कंजूस है, यानी माइजरली का अगर मैं सिनोनिम देखूं तो स्पेंडथ्रिफ्ट बन जाएगा, लेकिन अपोजिट नहीं बन सकता, लिबरल भी नहीं हो सकता। और चैरिटेबल जो दान करे, और जो कंजूस भी दान करते हैं तो ये भी नहीं हो सकता। जेनरस एक वर्ड होगा, जेनरस। जेनरस का मीनिंग हो गया जो बड़े दिल का हो, बड़े दिल का हो, जेनरस का मीनिंग। चैरिटेबल का मीनिंग तो होता है दान करना कोई विशेष पर्पज के लिए। जेनरस का मीनिंग हर किसी की मदद करना, बड़ा दिल रखना। अगर आपके पास कुछ नहीं है तब भी हिम्मत रखना, उसके उसका साथ देना, वो जेनरस कहलाता है। तो माइजरली का ऑपोजिट अपना क्या हुआ, इसमें जेनरस हुआ। डिस्काउंट का मीनिंग कटौती करना, छूट करना। इंटरेस्ट का मीनिंग ब्याज। प्रीमियम का मीनिंग अगर हम रेगुलर इंटरवल पर कोई पैसा दे रहे हैं उसको प्रीमियम बोलते हैं। प्रॉफिट मुनाफा। कंसेशन, कंसेशन का मीनिंग हो गया छूट, ठीक है ना। तो डिस्काउंट, डिस्काउंट का मीनिंग कटौती। तो प्रीमियम का मीनिंग हो गया हम रेगुलर टाइम पर, देखिए इम्पोर्टेंट है, डिस्काउंट का मीनिंग हम सोच लेते हैं कि प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट तो हो ही नहीं सकता है, कंसेशन भी नहीं हो सकता है, कंसेशन अपना सिनोनिम में जा सकता है, प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो एक ही वर्ड बचता है प्रीमियम। प्रीमियम का रेगुलर इंटरवल पर हम अगर किसी चीज़ के लिए या कोई पेमेंट करते हैं तो उसको प्रीमियम में हम लेकर के जाते हैं। वॉलंटरी, वॉलंटरी एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग हो गया स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। तो मैं एक वर्ड इसके लिए लिख देता हूँ, विलिंगली, यानी अपनी इच्छा से कोई कार्य करना वॉलंटरी होता है। ऑर्डर्ड का मीनिंग आदेश देना, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद में ऑल्टरनेटिव विकल्प, कंपल्सरी जो जरूरी है, एसेंशियल आवश्यक। तो अपना वॉलंटरी का सही सही वर्ड क्या निकलेगा, कंपल्सरी आएगा। उसके बाद में ऑनरस, ये वनरस नहीं है, ये ऑनरस है। इसका जो की है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जरा देखिए, ऑनरस, ऑनरस, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के हिसाब से इसको क्या बोलेंगे, ऑनरस बोलेंगे। ऑनरस का मीनिंग हो गया एडजेक्टिव है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मुश्किल, डिफ़िकल्ट। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये लास्ट वर्ड। ऑनरस का मीनिंग क्या हो गया, मुश्किल, डिफ़िकल्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सीधा हो, ईजी आसान हो, कॉम्प्लेक्स उलझा हुआ, प्लेन सीधा हो। देखो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसका सीधा जवाब हमें मिल जाए, जवाब के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग इसका सिनोनिम हम लेके आ सकते हैं, प्लेन जो बिल्कुल सीधा हो। तो हम मुश्किल का अगर सही देखें, डिफ़िकल्ट का तो क्या होगा, ईजी। तो अपना इसका राइट जो आंसर है ईजी रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आज की क्लास को हम एंड करते हैं। आज हमने 51 to 100 वर्ड्स करे हैं, और उससे पहले हमने
वन टू फिफ्टी जो वर्ड थे वो क्लास वन में करे हैं, यानी ये फर्स्ट क्लास थी और ये आज अपनी सेकंड क्लास है। कल अपनी थर्ड क्लास रहेगी जिसमें हम 101 टू 150 तक वर्ड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, दूसरों को भी मोटिवेट करें। हर तरह की एग्जामिनेशन की तैयारियाँ यहाँ पर होगी, जैसे कि हम एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होती है, डाउट्स भी क्लियर होते हैं, हर एक ऑप्शन को हम आराम से रूल आउट करते हैं, समझते हैं और फिर करते हैं। और आप बस बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।